दोस्तों, कुत्तों की सबसे बड़ी ताकत होती है इनके काटने की शक्ति। किसी भी जानवर के काटने की शक्ति को PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच में मापा जाता है। आमतौर पर कुत्तों की बाइट फोर्स लगभग 230 PSI से 300 PSI तक होती है। लेकिन एक कड़वा तथ्य यह भी है कि बुलडॉग, रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन पिंशर जैसे कुछ प्रसिद्ध कुत्तों के अलावा कुत्तों की कुछ नस्लें काटने के मामले में हद से ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये इतनी ताकत से काटते हैं कि काटने के मामले में शेर जैसे खतरनाक जानवर भी इनके सामने बच्चे ही लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कुत्तों से मिलवाएंगे जिनके जबड़ों में फंसने से ज्यादा सुरक्षित है शेर के जबड़ों में फंसना, क्योंकि इन मजबूत कुत्तों के जबड़ों में फंसने के बाद ये काटी गई जगह का मांस लेकर ही छोड़ते हैं। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लियनबर्गर। लियनबर्गर जर्मनी के लियनबर्ग शहर की नस्ल है, इसलिए इस नस्ल का नाम लियनबर्गर है। लियनबर्गर वास्तव में विशाल आकार वाला एक अत्यंत शांत कुत्ता है। इसे देखने पर यह थोड़ा बहुत जंगल के राजा शेर की तरह दिखाई देता है, या आपको यह एक प्यारे टेडी बियर की तरह लग सकता है। इन दिग्गजों को इनकी बहुमुखी प्रतिभा, चपलता, बुद्धिमता और छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए इनकी उदारता की वजह से बेशकीमती माना जाता है। इनके विशाल आकार के बावजूद लियनबर्गर बेहद कोमल और प्यारे होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको इसे उकसाना चाहिए। आपको बता दें कि इसके काटने की शक्ति 399 PSI होती है, जो कि किसी भी कुत्ते के खतरनाक होने के लिए काफ़ी है। इसे उकसाए जाने पर यह क्रोधित हो सकता है और अपनी मजबूत काटने की शक्ति के साथ बेहद घातक साबित हो सकता है। लियनबर्गर का औसतन वजन 45 से 77 किलोग्राम के बीच होता है और आमतौर पर इसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक होती है। आपको बता दें कि यह नस्ल सभी के लिए नहीं है। नंबर 9, वोल्फ डॉग। वोल्फ डॉग आमतौर पर जर्मनी और यूरोप के कई देशों में पाए जाते हैं। कुत्तों की यह ब्रीड वोल्फ और डॉग का हाइब्रिड है, इसलिए इस नस्ल को पालना आम नस्ल की तुलना में थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर इस ब्रीड को बनाने में हस्की कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि ये कुत्ते जितने खतरनाक दिखते हैं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये कुत्ते वोल्फ और हस्की दोनों से बहुत ऊंचे होते हैं, यही कारण है कि इनकी ताकत भी दोगुनी होती है। एक बार जब ये कुत्ते आपको अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुत्तों को भेड़ियों के साथ क्रॉस कराने के कारण इन कुत्तों के स्वभाव पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद भी ये अपने मालिकों और अनजान लोगों पर हमला कर सकते हैं। इन्हें ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है कि पैक मेंटालिटी वाले ये कुत्ते बहुत ज्यादा वफादार हो सकते हैं। इनके पास 406 PSI की काटने की शक्ति होती है। नंबर 8, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो को अर्जेंटीना में विकसित किया गया था और यह अर्जेंटीना की सबसे फेमस डॉग ब्रीड है। इस लिस्ट में मौजूद अन्य मस्टिफ्स की तरह डोगो अर्जेंटिनो 500 PSI तक अपनी काटने की ताकत रिकॉर्ड करने में सक्षम रहा है, जो कि लियनबर्गर और वुल्फ डॉग की तुलना में काफी ज्यादा है। यही वजह है कि यह इस लिस्ट में 8वें स्थान पर मौजूद है। डोगो अर्जेंटिनो अपनी हंटिंग स्किल्स और हाई एनर्जी लेवल्स के लिए जाना जाता है। इन कुत्तों का इस्तेमाल पुराने जमाने में शिकार और कुत्तों की जानलेवा लड़ाइयों में किया जाता था। मस्कुलर बॉडी और भयानक आक्रामकता इन कुत्तों को बहुत खतरनाक बनाती है। आपको बता दें कि इन्हें प्रशिक्षित करना बहुत कठिन होता है और इन्हें बहुत कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कोई नहीं जानता कि ये कब हमला कर दें। ये अपने स्टेमिना और हाई लंग कैपेसिटी की वजह से काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इन्हें कतई मंजूर नहीं कि कोई इनके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। ये काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और परिवार के सदस्यों के प्रति काफ़ी स्नेही हो सकते हैं, लेकिन इन्हें शुरू से ही सोशलाइज करना ज़रूरी होता है। नंबर 7, प्रेसा कैनेरियो। पैरोडी प्रेसा या प्रेसा कैनेरियो, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, एक स्पेनिश डॉग ब्रीड है। प्रेसा कैनेरियो को दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार कुत्तों में से एक माना जाता है। ये कुत्ते बहुत जानलेवा होते हैं। ये इतने खूंखार और ताकतवर हैं कि इनके चंगुल से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छी ट्रेनिंग से इन कुत्तों का शरीर मस्कुलर और बहुत स्ट्रांग हो जाता है। प्रेसा कैनेरियो अपने मालिक के लिए बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, इसलिए ये उन लोगों या जानवरों पर भरोसा नहीं करते जिन्हें ये नहीं जानते। इस नस्ल के कुत्ते तब तक हमला नहीं करते जब तक इनके मालिक इन्हें अनुमति ना दें। इनमें 540 PSI तक काटने की क्षमता होती है। घनी हड्डियां, मस्कुलर बॉडी इन कुत्तों को गजब की पर्सनालिटी अदा करती है। प्रेसा कैनेरियो को कम उम्र से ही
सोशलाइज करने की जरूरत है। और जैसे जैसे यह बच्चों या अन्य पालतू जानवरों के साथ बड़ा होता जाता है, यह एक स्नेही दोस्त बनता जाता है। नंबर 6, इंग्लिश मास्टिफ। इंग्लिश मास्टिफ कुत्ते की एक और बड़ी लेकिन प्यारी नस्ल है। इस ब्रीड के कुत्ते लोगों के साथ मिलनसार होते हैं। ये वास्तव में उत्साही हैं और अक्सर बच्चों वाले परिवारों के लिए अच्छे साबित होते हैं। इनके लिए यह बहुत जरूरी है कि इन्हें लोगों के साथ रहने, घुलने मिलने की ट्रेनिंग दी जाए। ऊर्जा से भरे इन कुत्तों को दैनिक व्यायाम की आवश्यकता होती है और एक सक्रिय परिवार के लिए ये अच्छे कुत्ते साबित हो सकते हैं। हालांकि ये मजबूत और शक्तिशाली कुत्ते हर किसी पर भरोसा नहीं करते। इनका औसतन वजन 73 किलोग्राम तक और इनकी हाइट 30 इंच तक होती है और इनके काटने की शक्ति 552 PSI है। आपको बता दें कि इन कुत्तों ने अगर एक बार किसी पर हमला कर दिया तो उसका भगवान ही मालिक है। और अगर आप इंग्लिश मास्टिफ को अपने घर लाने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। नंबर 5, टोसा इनू। इस जापानी नस्ल को मास्टिफ और ग्रेट डेन वंश से संबंधित माना जाता है। यह नस्ल अपनी अत्यधिक आक्रामक प्रतिष्ठा के कारण दुर्लभ बनी हुई है। इस प्रजाति के कुत्ते लड़ाई के लिए काफी मशहूर हैं और इनकी आवाज भी काफी डरावनी होती है। आपको बता दें कि पुराने जमाने में इसे खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि इन कुत्तों को पालतू बना पाना आज भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ये छोटे कुत्तों और यहाँ तक कि बिल्लियों के प्रति हिंसक व्यवहार दिखाते हैं और कई मामलों में इन्हें अपने मालिकों पर हमला करते देखा गया है। पर्याप्त ट्रेनिंग मिलने पर इनका स्वभाव काफी मिलनसार हो जाता है और ये एक परिवार के दायरे में रहने वाले अच्छे साथी साबित होते हैं। कुत्तों के अनुभवहीन मालिकों के लिए बेहतर है कि वे इस नस्ल से दूर रहें। ये कुत्ते एक दिन में कई किलो मांस खा जाते हैं और इसीलिए इस नस्ल को पालना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। नंबर 4, डॉग दे बोर्डो। यह कुत्ता न सिर्फ बड़ा है बल्कि काफी मशहूर भी है, क्योंकि यह कोई आम कुत्ता नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी कुत्ता है। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने ट्यूनर एंड हूज फिल्म जरूर देखी होगी। टॉम हैक्स की फिल्म ट्यूनर एंड हूज 1989 की एक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में डॉग दे बोर्डो एक पुलिस कुत्ते के रूप में दिखाई देता है। एक कोमल विशालकाय नस्ल जो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार और प्यार करने वाली है, लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये काफी खतरनाक हो सकते हैं और किसी को भी काट सकते हैं। इनकी अतरंगी आंखें और झुर्रियोंदार माथा इन्हें सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में मौजूद अब जिन कुत्तों से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके काटने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि इनके काटने के बल के सामने एक शेर भी बच्चा ही लगता है। इन कुत्तों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। नंबर 3, कैन कोर्सो। छोटे बालों वाला कैन कोर्सो मस्टिफ प्रकार का एक मस्कुलर कुत्ता है जिसे एक अच्छा गार्ड डॉग माना जाता है। इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में इटली में हुई थी। अपने बड़े आकार और भारी शरीर के साथ कैन कोर्सो को दुनिया में सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों में सबसे ऊपर रखा जाता है। कैन कोर्सो को अन्य शिकारियों जैसे माउंटेन लायन और जंगली सुअरों से लड़ने के लिए पाला गया था। इस प्रजाति के कुत्ते बहुत आक्रामक और आत्मविश्वासी होते हैं। कहा जाता है कि इनमें बहुत अधिक दर्द सहन करने की क्षमता होती है। आपको बता दें कि इनके काटने की शक्ति एक शेर से भी ज्यादा होती है। जहां एक शेर के काटने की शक्ति 650 PSI होती है, वहीं कैन कोर्सो 700 PSI के बल से काटता है, जिसके जबड़े में एक शेर भी कभी नहीं फंसना चाहेगा। यह नस्ल मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान होने के साथ साथ इसे प्रशिक्षित करना भी लगभग आसान है। इनका औसतन वजन 40 से 50 किलोग्राम और इनकी औसतन हाइट 23 से 30 इंच तक होती है। इनकी औसतन उम्र 9 से 12 साल के बीच होती है। नंबर 2, अमेरिकन बैंडॉग। यह नस्ल अपने साहसी, ऊर्जावान और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती है। बैंडॉग के काटने की शक्ति 730 PSI होती है, जो मजबूत से मजबूत अंग को फाड़ने और अपने शिकार को लहूलुहान करने के लिए पर्याप्त होती है। ये अमेरिकन पिटबुल टेरियर और नेपोलिटन मास्टिफ नस्ल के बीच का क्रॉस है और इसलिए यह पूरी दुनिया में, विशेष रूप से मियामी, यूके और सिंगापुर में बैन है। आपको बता दें कि अमेरिकन बैंडॉग अमेरिकन कैनल क्लब या किसी डॉग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त एक माननीकृत नस्ल नहीं है। नंबर 1, कांगल। कुत्ते की यह नस्ल तुर्की की है, जिसे अपने मालिकों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए जाना जाता है। कांगल दुनिया के सबसे मजबूत कुत्तों में से एक है और कुछ देशों में इन्हें अभी भी भेड़ियों और चीतों से मवेशियों की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि कांगल काटने के मामले में दुनिया में सबसे मजबूत काटने की शक्ति रखता है।
कांगल के काटने की शक्ति 743 PSI है, जो कि एक शेर से लगभग 100 PSI ज्यादा है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि काटने के मामले में यह कितना खतरनाक है, जिसके सामने शेर जैसे खतरनाक शिकारी भी बच्चे ही लगते हैं। पालतू जानवरों के साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर रहने वाले कांगल बच्चों के भी काफी क्लोज होते हैं। इस नस्ल में एक ही खराबी है कि इन्हें बहुत अधिक व्यायाम की आवश्यकता होती है और इनका विशाल आकार इन्हें अपार्टमेंट में रहने के लिए मुश्किल बनाता है। कांगल की औसत ऊंचाई 71 से 81 सेंटीमीटर और इनका औसतन वजन 43 से 65 किलोग्राम तक होता है। तो दोस्तों, ये हैं वे कुत्ते जिनका बाइट फोर्स सबसे ज्यादा है। इनमें से कौन सा कुत्ता आपका पसंदीदा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे सभी बेहतरीन वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नॉलेज से भरपूर ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।